दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। 1983 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब एक टीम 2019 के क्रिकेट विश्व कप में नजर नहीं आएगी। जी हां, यूएई के हाथों क्वालिफायर मैच में गुरुवार यानी 22 मार्च को 3 विकेट से मिली हार के बाद जिम्बाब्वे का 2019 के क्रिकेट विश्व कप में खेलने का सपना चकनाचूर हो गया। इंग्लैंड और वेल्स में अगले वर्ष शुरू होने जा रहे क्रिकेट विश्व कप में जगह बरकरार रखने के लिए जिम्बाब्वे को क्वालिफायर मैच में यूएई को हराना था। जिम्बाब्वे के कप्तान ग्रेम क्रीमर ने मैच के बाद कहा, हमारे पास फाइनल में पहुंचने के लिए अच्छे मौके थे। मुझे लगता है कि अब तक हम वाकई अच्छा खेलते आए हैं। आज का दिन बहुत निराशाजनक रहा। क्रीमर ने जिम्बाब्वे क्रिकेट के भविष्य को लेकर किए गए सवाल के जवाब में कहा, हम लोग लगभग आश्वस्त हैं कि हम फाइनल में जा रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि काफी लोगों ने भी यही सोचा होगा, इसलिए भविष्य के क्रिकेट के लिए मैं किसी बिंदु पर पक्का नहीं हूँ। जिम्बाब्वे की हार पर यूएई के कप्तान रोहन मुस्तफा ने कहा, एक टेस्ट टीम को हराना हमारे लिए बड़ी जीत है। कोई हमारे बारे में नहीं जानता था, अब वे सब हमें जानेंगे। जिम्बाब्वे के लिए दुखी जरूर हूँ, लेकिन ये खेल है। बता दें, आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर सुपर सिक्स मुकाबले में बारिश की वजह से प्रभावित हुए मैच में जिम्बाब्वे को 40 ओवर में 230 रनों का लक्ष्य मिला था।